हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन ऑफ अ बॉडी ऑन अ स्प्रिंग। देखो क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर ये पांच डेरिवेशन है, इनमें से पक्का आएगा कुछ ना कुछ एक चीज तो आएगी। स्प्रिंग है, मास लगा हुआ है आपने मास को डिस्प्लेस कर दिया बाय एक्स, तो स्प्रिंग की फोर्स क्या है, माइनस के एक्स, रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग की वजह से वर्ड यहां साइन क्या आता है, नेगेटिव। तो एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दे। प्रूव हो गया SHM में, प्रूव हो गया कि स्प्रिंग मास सिस्टम SHM में, क्योंकि एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू एक्स विद नेगेटिव साइन और ये कांस्टेंट है। तो ये टर्म क्या आ गई, और SHM की इक्वेशन जो हमने की वो क्या है, a इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। कंपेयर करो, ओमेगा आ गया, ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाय टी, टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई और रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी आ गई। तो प्लीज फॉर्मूला रजिस्टर में पहला फॉर्मूला नोट करो, फॉर स्प्रिंग मास सिस्टम टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय k, इंपॉर्टेंट t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन k। ठीक है, फॉर्मूला क्लियर है यहां तक। अब हो सकता है वो आपको क्वेश्चन में देखी, क्योंकि आपने स्प्रिंग को कैसे लिया हॉरिजॉन्टल, क्या पता क्वेश्चन में ही आ जाए, वर्टिकल ऑसिलेशन करके दिखाओ स्प्रिंग मास की, स्प्रिंग और मास की लोडेड स्प्रिंग है। तो क्या करेंगे इसमें, इसको करने के दो तरीके हैं, एक लंबा तरीका एक थोड़ा शॉर्टकट बताऊंगा आपको मैं। पहले एक एक्चुअल तरीका देखते हैं फिर शॉर्टकट देखते हैं, अगर भूल गए कम से कम वहाँ आप शॉर्टकट लगा सकते हो। मान लो आपके पास एक स्प्रिंग है जो रिलैक्स पोजिशन में है और इसके नीचे कोई मास लगा नहीं, फिर आपने मास लगा दिया, मास लगाने पे ये यहाँ आ गया और ये रिलैक्स है, अभी भी रिलैक्स है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हमने स्प्रिंग में किया था कि डी एक्सपैंड हो चुका है, तो इसमें रिस्टोरिंग फोर्स कितनी है केडी, और वेट कितना है इसका एमजी, और क्योंकि ये यहाँ पे किस पे पड़ा हुआ है एट रेस्ट, तो केडी किसके इक्वल है एमजी। ठीक है यहाँ तक। अब आपने क्या किया, इसको अपने हाथ से गए और हिला दिया एक्स तक, नीचे नीचे ले आए। अब जब नीचे लेके आए तो एमजी वेट तो अभी भी नीचे है, रिस्टोरिंग फोर्स कितनी डेवलप होगी के इनटू कितना डी प्लस एक्स। ऐसा क्यों, क्योंकि कहां से देखी जाती है एक्सपेंशन, अनस्ट्रेच्ड पोजीशन से, तो अनस्ट्रेच्ड पोजीशन से टोटल एक्सपेंशन कितनी हो चुकी है डी प्लस एक्स, डी प्लस एक्स। तो न्यूटन का लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ नेट फोर्स क्या बनेगी एम जी माइनस के इंटू डी प्लस एक्स। पर आप कहोगे वो कैसे, ये तो हो नहीं सकती, क्यों, क्योंकि बॉडी तो छोड़ने पर कहां आएगी ऊपर, तो इसका मतलब ये फोर्स बड़ी होनी चाहिए। हाँ तो ठीक है, ये फोर्स बड़ी है तभी तो रिस्टोरिंग फोर्स के साइन क्या आएगा नेगेटिव, तभी तो छोटे में से बड़ा माइनस की है ताकि माइनस साइन बाहर निकाल लें, जो ये शो कर रहा है कि ये फोर्स बड़ी है और ये छोटी है। तो जब आप इसे ओपन करते हैं के डी की जगह क्या पुट करेंगे एम जी, एम जी से एम जी कैंसिल, तो ये आंसर आ गया। तो अगर आप इतना नहीं करना चाहते तो एक शॉर्टकट सुन लें, एक शॉर्टकट सुन लें, शॉर्टकट सुन लें, पेपर में ना इक्विलिब्रियम पोजीशन ले ही मत। आप ये लें कि आपके पास एक बॉडी है, ये यहाँ पे रेस्ट पे पड़ी हुई थी, अगला डायग्राम बनाएं कि आपने इसको कितना नीचे खींच दिया एक्स, तो रिस्टोरिंग फोर्स कितनी डेवलप हो गई माइनस के एक्स, ऊपर की बात डिस्कस करेंगे जरूरत ही नहीं है, ये डायग्राम बना लें और ये लिख लें, फिर डेरिवेशन सेम बन गई। तो ये बन लेना इसकी जगह, ये तीन स्प्रिंग की जगह एक ही डायग्राम बना लें एम जी और एक्स वाला, बस ये दो बना लें, इसकी जरूरत ही नहीं है अनस्ट्रेच्ड की, क्योंकि आपने x खींचा तो साथ ही रिस्टोरिंग फोर्स कितनी डेवलप हो गई माइनस की x। तो लिखने तो लिख लें कि इंस्टेड ऑफ दिस ये दो स्टेप लिख लें बस, अगर पेपर में आएगा तो दो स्प्रिंग बनाएं और रिस्टोरिंग फोर्स ये लिख दें बस। तो रिस्टोरिंग फोर्स आ गई, तो रिस्टोरिंग फोर्स होती क्या है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास नीचे आ गया ए एक्स के प्रोपोर्शनल है विद नेगेटिव साइन, तो SHM, SHM की इक्वेशन लिखें, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा निकालें, ओमेगा 2 पाई बाय टी है, यहां से टाइम पीरियड की वैल्यू निकाल लें। क्लियर है यहां तक। तो आप स्प्रिंग को चाहे हॉरिजॉन्टल मूव करवाएं चाहे वर्टिकल मूव करवाएं, टाइम पीरियड की वैल्यू एग्जैक्टली क्या आएगी सेम, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट एम बाई के, कोई डाउट इसमें, तो फॉर्मूला नोट कर लें और डेरिवेशन आ सकती है।